अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग हैं हुसैनी शाहवली पे। ये तफ्त का एक बाज़ार है और ये जो आप देख रहे हैं इसको फ़ारसी में नख़ल कहते हैं। ये आशूरा के दिन इसको सजाया जाता है। ये इमाम के कब्र नुमा शबी है, सब इसको मिलके उठाते हैं। ये बाज़ार है यहाँ का। और ये भी जो आप देख रहे हैं ये करबला की मिट्टी से लाई गई इमाम बारगा बनाई गई है, बहुत मुजर्रब है। और आइए आप लोग यहाँ पे ज़्यारत कीजिए, मौला की ज़्यारत है, ये बहुत मुजर्रब है ये जगह। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं पहुंचा हूं यहां पर, बहुत ऐसी जगह जो आपके नाम सुनने से या आप ये वीडियो देखने से आपका दिल तो धड़केगा ही ज़ोर से, और इसके साथ साथ आपकी पांव तले से ज़मीन भी निकलेगी। क्यों? यहाँ स्कूल की छुट्टी हुई है मदरसे की, और यहाँ पे मदरसा भी है अंदर, और बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं मदरसे से, यानी कि स्कूल से। ये जगह जो है यहाँ से ज़्यारत की जा सकती है, जो अंदर हुसैनी शाहवली हैं उनकी। और ये है, और इसी तरह एक और यहाँ पर डोर है वो भी है एंट्री के लिए, और यहाँ पे भी सेम ज़्यारत की जा सकती है। वही पुरानी कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा पुरानी नहीं है फिर भी काफ़ी पुरानी है। 1300 कुछ की हिजरी की जो है ये कंस्ट्रक्शन है। और अब तो बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हो गई हैं। इसका मेन आपको जो है वो मैं बताने वाला हूँ, और अभी मैं ये चारों तरफ से आपको दिखा दूँ ताकि आप अच्छी तरह इसको जहन नशीन भी कर लें। बहुत हटके जगह है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने को, समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग है। और बहुत यूनिक यहाँ की हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री मुझे कुछ करीब तरीन जो है वो पाकिस्तान में भी मिली। रूड़ी का आपने नाम सुना हुआ है, और रूड़ी में एक बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ भी यही किस्सा था। रूड़ी में इमाम हुसैन का रोज़ा है, बनाए उन्हीं के रोज़े के शायद एक थोड़ा सा दूर, 100 कदम भी नहीं है, एक बारगाह है, और बारगाह में उन बुज़ुर्ग का मज़ार है। और वो जो पत्थर पहनकर पैदल करबला जाया करते थे, और फिर एक वक्त आया कि इमाम वो नहीं जा सके, तो इमाम हुसैन उनके ख्वाब में आए और कहा कि अब तुम नहीं आओगे, अब हम आएंगे। तो रूड़ी में जो आप 7 या 8 मुहर्रम को देखते हैं, जो एक ताबूत निकलता है और वो हवा में कैसे जो है वो
उड़ रहा होता है और लोग उसको कैसे छू रहे होते हैं वो एक हिस्ट्री अलग है। यहाँ की वो हिस्ट्री बताने का मकसद ये कि आप समझें कि ये भी एक आशिक की जगह है। उस आशिक का नाम है शाहवली। शाहवली भी जो है वो अपनी जिंदगी में बहुत फकीरी में चले गए थे, यानी कि दरवेशी प्लस आशिक हुसैन हो गए थे, और इस हद तक या उस लिमिट से आगे चले गए थे, उस सर्कल से आगे निकल गए थे कि ज्यादातर जो है वो मजबूत की हालत में रहते थे और वो पैदल जो है वो निकल जाया करते थे करबला। हुआ ये कि उन्हें ख्वाब में इमाम हुसैन ने बताया, उन्होंने यहां से क्या किया कि 6 ऊंट लिए और ऊंटों पे सवार हुए और करबला गए। खास इमाम हुसैन जहां शहीद हुए थे उस जगह की मट्टी उन्होंने खोदी, उन 6 ऊंटों पे उन्होंने लादी और वो मट्टी लेकर जो है वो कई महीनों बाद वापस इस जगह पे लौटे। और फिर यहां पर उन्होंने कुछ कहते हैं खैमागाह की शक्ल में कुछ उन्होंने यहां पे चीजें बनाई, कुछ कहते हैं कि इमाम हुसैन की जैसी तुर्बत थी वो यहां उन्होंने बनाई, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने यह मट्टी लाके जो है वो उससे मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे उन्होंने रखी, तो यहां पे वही मट्टी जो है वो 10 मुहर्रम को लाल होने लगी, जैसे इमाम हुसैन की कब्र की मट्टी लाल हो जाती है। इसका वाकया तो हजूर सल्लम से जोड़ना पड़ेगा मुझे कि जब उम्मे सलमा को हजूर सल्लम ने एक बॉटल में या एक डब्बी में जो है वो खाके शिफा दी और कहा कि ऐ सलमा जब ये लाल हो जाए तो समझ जाना कि हुसैन शहीद हो गया है। तो उम्मे सलमा जब वो मट्टी रोज देखती थी और जिस दिन उन्होंने देखा कि वो मट्टी लाल हो गई है तो उस वक्त उनकी जो कैफियत होगी वही जान सकती हैं। ये वो मट्टी है करबला की जो यहाँ पर मौजूद है। और जैसे जैसे मैं भी बता रहा हूँ मेरे रोंगटे तो खड़े ही हैं, अल्फाज बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। ये जगह है, मेन हॉल है, इसी के साथ एक खवातीन का रखा है मेरे सामने, मेरी बैग पे जो है वो मेल्स का रखा हुआ है। इस पूरी जगह पे कहा जाता है मगर मेन जगह जो है वो ये है जहां पे इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। किसी जमाने में ये जगह जो थी वो एक पहाड़ की शक्ल में थी, जाहिर पहाड़ी सिलसिला आपने इर्द गिर्द देखा है, और जो तफ की मशहूरियत है या तफ जो मशहूर है वो इसी वजह से मशहूर है क्योंकि यहाँ यस से नजदीक, मैंने यस के बारे में जैसे आपको बताया अपनी वीडियोस में, ये भी जगह जो है वो बहुत कदीमी है। और शाहवली का तो अभी हमें मजार यहाँ नहीं मिल सका है कि वो मदफूम कहाँ पर है, बट ये उनकी निशानी जरूर हमें यहाँ पर मिली है। इसके बिल्कुल पीछे जो है वो स्कूल है और ये छोटी सी जो है वो ज़ियारत गाह बनाई हुई है, और यहाँ पर आप आएंगे ऑटोमेटिकली आपके सेंसेस ऑन हो जाएंगे, आपका दिमाग बंद हो जाएगा और आपको फील होने लगेगा ऐसे कि जैसे आपका कलेजा जो है वो मुंह को आ रहा है और आपकी फीलिंग रोने वाली, और बहुत सारी जो है यहाँ पे हालत सी हो सकती है बहुत से लोगों की, जैसे हमारे साथ भी लोगों की हुई। बेसिकली ये पहाड़ी इलाका था और पहाड़ी इलाके में ये उन्होंने बनाया उस वक्त। ज़ाहिर है वली और जो दरवेश होते हैं यहाँ ऐसे वश की हालत में जो चले जाते हैं फिर वो जो है वो अपने आप में नहीं रहते और फिर उन्हें जो है वो अहले बैत या खुदा ही जो है वो उन्हें चला रहा होता है और उन्हें हर चीज गाइड कर रहा होता है। तो इन पहाड़ों में उस जमाने में उन्होंने बनाया और आज ये लोगों के लिए खासो आम के लिए जगह ओपन है। कहा जाता है कि यहाँ दुआ रद्द नहीं होती है, कहा जाता है कि यहाँ आपका सजदा रद्द नहीं होता है, कहा जाता है कि यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, जो करबला नहीं जा सकते जो शिद्दत रखते हैं वो इस जगह पे आके जो है वो दो आंसू भी गिरा सकते हैं और यहाँ पर जो है वो थोड़ा वक्त गुजार कर जो है वो फीलिंग या वो महसूसात कर सकते हैं जो करबला की हैं। ये मैं समझूंगा ईरानी दूसरा जो है वो करबला है जहाँ पे ओरिजिनल करबला की मट्टी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे लोग जो है वो दूर दराज से आते हैं। बाकायदा यहाँ आशूरा पे और अरबैन पे बहुत बड़ा जो है यहाँ पे ज़दारी भी होती है, जुलूस भी निकलते हैं, जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने बताया हसन ने कि बहुत बड़ा जो है वो एक नालैन बनाया है, उसको यहाँ के मुकामी लोग या जो मखसूस लोग हैं वो उसको हाथ अपने कंधों पे उठाते हैं क्योंकि देखने में उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। ये वो जगह है जहाँ पर आप आए टाइम गुजारें और ओरिजिनली महसूस करें कि करबला क्या है और
करबला में क्या कुछ हुआ और यहाँ अब आप क्या कर रहे हैं, और यहाँ लोगों की जुमला जितनी भी हाजात हैं, जितनी भी मन्नत हैं, जरूरियात हैं जिंदगी, या जो भी उनकी औलाद का या जिसका भी इशू होता है यहाँ आते हैं। मैंने यहाँ कई लोगों की जबानी सुना है कि जब भी यहाँ कोई हमें मसला होता है हम यहाँ आते हैं और हमारा मसला मिनटों में जो है वो दूर होता है, या हमारी जो शिकायत होती है वो ख़त्म होती है, या हाजत होती है वो हमारी पूरी होती है। ऐसे कई मैंने यहाँ एक नहीं कई लोगों से सुना है। वाकई ये बहुत जगह जो है वो अपनी एक अहमियत रखती है, और मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी जगह मिली है जो करबला की मिट्टी से यहाँ पे जो है वो बनाई गई है और मौजूद है, और यहाँ पे लोग सालाना बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। वाकई दिल दुखता है और महसूसात यहाँ चेंज हो जाती हैं, और दिल नहीं चाह रहा मेरा कि मैं यहाँ अपना टाइम काफ़ी गुजारूँ, बट मजबूर हूँ मैं, क्योंकि शॉर्ट टूर है मेरा और मैंने कई ज़्यारतें करनी है। बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द हैं जो मुझे मालूमात भी दे रहे हैं, मुझे आगाही भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है वो ट्रैवलिंग भी चल रही है। तो यहाँ तक ये बहुत मुजरब जगह है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप यहाँ पर आएँ, आप ख़ुद महसूस करें, आपको मेरी तरह खुद आपके आंसू निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने चाहने वालों को ज़रूर बताइएगा एक ऐसी मुनफरिद जगह जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।